पत्रकार बंधु आप सबसे नमस्कार, बहुत बहुत होली की बधाई हो। मैं पूर्व सांसद और चार बार के विधायक श्री अतीक अहमद जी की छोटी बहन आयशा नूरी। आप लोगों को आवाज जा रही? भूतपूर्व सांसद अतीक अहमद जी की मैं छोटी बहन आयशा नूरी हूँ। मुद्दा ये है सर कि 3 बजे रात में हम तीनों को उठा लिया था इलाहाबाद पुलिस ने पूछताछ के लिए। 3-4 दिन हम लोगों को वहाँ रखा गया। उस समय से हमारा स्वास्थ्य बहुत ख़राब चल रहा है, बोलने में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, जैसा कि आप लोगों को आवाज़ से पता चल रहा होगा। अब उसी के अंदर हमको बहुत टॉर्चर किया गया और ये कहा गया कि एसटीएफ की अधिकारी अमिताभ यश जी और पुलिस प्रशासन, हमारे बड़े भाई अतीक अहमद भूतपूर्व सांसद और 3-4 दफ़ा विधायक हो चुके, और हमारा छोटा भाई अशरफ जो बरेली में है बहुत दिन से जेल में, उन दोनों को चर्चित जो हत्याकांड इलाहाबाद में हुआ है, चर्चित हत्याकांड जो इलाहाबाद में हुआ है उसमें पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका इनकाउंटर किया जा सकता है। हम ट्रांसफ़र के बहाने पूछताछ से जैसे भी, और वहाँ पर हमको टॉर्चर करके यही कहा जा रहा था कि वो एसटीएफ से बच नहीं सकता। लोगों से चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा ले हों। अगर उनके ऊपर कोई अपराध जब तक घोषित नहीं हो सकता, वो अपराधी नहीं है सर, वो 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं, उनके साथ भारी समर्थन है। अगर राजनीति करना, विधायक बनना, सांसद बनना अपराध होता है, तो यही अपराध हमारी भाभी ने भी कर दिया कि मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी। हम आपके चैनल के माध्यम से ये गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से भी और प्रशासन से भी कि हमारे भाइयों को जो पूछताछ करना हो इस चर्चित हत्याकांड में, वो वीडियोग्राफी अभी तक उनकी वीडियोग्राफी होती है वो इस जेल में, इसीलिए उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो गए हैं गुजरात जेल में कि जहाँ पर इसकी सुविधा हो। वो बाहर निकालते हुए कुछ भी किसी भी तरह हत्या कर सकते सर, हम बता रहे हैं हमको 3 दिन यही टॉर्चर किया गया कि तुम्हारे भाई बच नहीं सकते, उनकी एसटीएफ हत्या कर देंगी जेल से निकाल के। हमको और रमित कुमार शर्मा और अमिताभ यश जी एसटीएफ के अधिकारी हैं ये। और उस समय मीडिया के चैनल से हमने भी देखा था, जब ये हत्याकांड हुआ था उस समय हाउस में विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था इस बयान के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। अब इस बयान से ये अमिताभ यश जी को पूरा पूरा मौका मिल गया। सर हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे दोनों भाइयों की मुख्यमंत्री जी से भी, प्रशासन से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मा लिया जाए। हमारी भाभी को साजिश में फंसा, मुकदमा लगाया हमारी भाभी के। आप जो नंदी का नाम ले रही है, मंत्री का, मंत्री नंदी ने उधार नहीं चुकाया। एक सवाल दे, प्रशासन ने फंसाया सर नंदी, ये जो अभिलाषा जो दस साल से मेयर रह रही हैं, इनकी साजिश है कि शाइस्ता को इसमें फंसा दो जिससे इलेक्शन ना लड़ पाए। अभिलाषा नंदी जी की पत्नी जो है, जो इस वक्त मेयर है इलाहाबाद की, उन्होंने वो किसी तरह नहीं चाहे नहीं कि हमारी भाभी मेयर के लिए इलेक्शन लड़े। 5 करोड़ किसने लिया? नंदी जी ने हमारे बड़े भाई से उधार लिया था जब हम दोनों जी जी
सर हम क्या जाने वो लोग एक समय में ये किस वक्त लिया था ये सब हम नहीं बता सकते सर। मैं बता रही हूँ आप लोग गौर से सुनिए, जब हम और भाभी गुजरात मिलने गए थे एक दफ़ा भाई साहब के पास, तो भाई साहब ने मेरे सामने कहा शाइस्ता नंदी से मेरा पैसा मंगवा लो। एक बात बताइए बताइए चुनाव ना लड़ ले पाए शाइस्ता भाभी, ये उनकी आपसी बात थी सांसद साहब की और नंदी जी की, वो आपसी बात भाई साहब हमारे सामने भाभी से कर रहे थे। पुलिस कह रही है कि शाइस्ता जी से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, सर पुलिस क्या कह रही है हम कुछ नहीं जा रहे, हम चार दिन से वहाँ पर थे, चार दिन से मेरी बच्ची छोटी और ये हमारी छोटे भाई अशरफ की पत्नी है, हम लोग इस कदर टॉर्चर किए हुए हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते, हमारा स्वास्थ्य आपको बता रहा होगा किस तरह से हम बोल पा रहे हैं आपके पास। अच्छा अखिलेश यादव को आपके क्यों उकसा रहे थे, किस तरह से उनका क्या रोल है? अब वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अब ये तो मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ये बता सकते हैं। मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा था उसकी वजह से, जो अखिलेश यादव ने सदन में कहा था उस वजह से कार्रवाई हो रही है। जो मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया था उस समय हमने आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हाउस का देखा था, बोला था उसे जी क्या मिट्टी में मिला देने का बयान अखिलेश यादव को वजह से दिया कि ये कहना चाहिए उनके उकसाने पे। सर हमको टॉर्चर यही किया गया कि तुम्हारे भाई बचेंगे नहीं, इनकाउंटर कर दिए जाएंगे, पूरे दावे से वो लोग हमसे बोल रहे थे अमिताभ यश जी और ये श्री। सर हम कैसे रह सकते हैं, हमारे बच्चे हमारा घर परिवार एक तरफ, हमें अपने भाइयों की जान की चिंता है। सर इस घटना में किसकी साजिश लगती है आपको? सर हम कुछ नहीं जानते किसकी साजिश है। जो आपके भाई है और जो असद का नाम आ रहा है, क्या असद है उसमें आपकी किसी से बात हो पाई असद किसी से? सर चार दिन से मैं बता रही हूँ, हम लोग को चार दिन से वहाँ रखा गया था, हमारी भाभी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया सर। नहीं 24 फरवरी को असद था वहाँ पर, हम नहीं थे वहाँ पर। सर हमको किसी तरह का न्यूज़पेपर तक वहाँ नहीं दिया गया था। हम अब बाहर आने के बाद तो देखा होगा टीवी चैनल बाकी, तो उसमें असद है जो हमारे ऊपर इतना दुख पड़ा है, हमारे सारे मकान गिराए जा रहे हैं, हमारे बच्चे घर से बेघर हैं, चार बच्चे हमारे 10 दिन से पता नहीं कहाँ थे, दो भतीजे हमारे, हम लोग को पता ही नहीं था। आप लोग कैसा सवाल सर जो हमसे बता सकते हैं वो हम बता रहे हैं आप लोगों से। मैंने पेपर नहीं देखा, हमारे कुछ जानकारी हमने आप सबके चैनल पे से हमारी बच्ची की कुछ न्यूज़ दिखाया था, मुझसे कुछ न्यूज़ वूज कुछ नहीं सुनी जा रही। सर हम रास्ते में तो ये आया कि शाइस्ता परवीन गिरफ्तार हो गई हैं, जबकि चार दिन तक उनका पता ही नहीं था। यार हैं अभिलाषा नंदी, नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था, और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर घोषित प्रत्याशी मृत मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है वो किसी तरह नहीं चाह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है कंपेन में, वो जा रही हैं करीब 2 महीने से जा रही हैं शाइस्ता परवीन। भाइयों हमारी आवाज़ आप लोग को ठीक से जा रही है? तो जिस तरह से वो करीब 2 महीने से प्रशासन प्रचार के लिए जा रही हैं, उनको दलित बस्तियों में बहुत बहुत दयनीय स्थिति में वो जिस तरह से महिलाओं से मिल रही हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हमने उनको देखा है कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो जो 10 साल पूर्व जो 10 साल से रह रही मेयर, वो किसी तरह नहीं चाहती कि शाइस्ता परवीन फाइट में आए, और इसीलिए हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। आप लोग जाके देख सकते हैं भाइयों, उनके घर का एक बाहर का रास्ता है जीना, एक बाहर का जीना है जिससे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर जाया करते थे,
और बच्चों के दोस्त जाया करते थे। हमारी भाभी को अंदर रहती थी या कंपेन में चली जाती थी नीचे, और ऊपर की जीना अलग है, बाहर से एक है एक अंदर से है। तो मेरी भाभी को नहीं पता होता था कि मेरे बच्चों के पास कौन दोस्त है बाबा रहे हैं शाइस्ता परवीन को, और उनको इस साजिश में। आप लोग बताइए, कोई महिला, घरेलू महिला साजिश में होती है किसी कांड में, वो भी इतने बड़े चर्चित कांड में? हमारी भाभी बता पाएंगी, हमारी भाभी बता पाएंगी। एक बात बताइए, बताइए चुनाव ना लड़ ले पाए शाइस्ता भाभी, ये उनकी आपसी बात थी सांसद साहब की और नंदी जी की। वो आपसी बात भाई साहब हमारे सामने भाभी से कर रहे थे। पुलिस कह रही है कि शाइस्ता जी से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, सर पुलिस क्या कह रही है? हम कुछ नहीं जा रहे, हम चार दिन से वहाँ पर थे, चार दिन से मेरी बच्ची छोटी और ये हमारी छोटे भाई अशरफ की पत्नी है, हम लोग इस कदर टॉर्चर किए हुए हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा स्वास्थ्य आपको बता रहा होगा किस तरह से हम बोल पा रहे हैं आपके पास। अब वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अब ये तो मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ये बता सकते हैं। मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा था उसकी वजह से, जो अखिलेश यादव ने सदन में कहा था उस वजह से कार्रवाई हो रही है। जो मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया था उस समय, हमने आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हाउस का देखा था। मिट्टी में मिला देने का बयान अखिलेश यादव की वजह से दिया, ये कहना चाहिए उनके उकसाने पे। उनका बयान देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो फोटो वायरल हो रही है, टीवी पे दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, उसको आपने देख पाया क्या सब है कि नहीं? सर हमारा स्वास्थ्य बहुत खराब है, हमारे दोनों भाई खतरे में है, हम टीवी देखेंगे कि हम आदा मैं उनकी पत्नी जैनब अशरफ की वाइफ जी, अशरफ की वाइफ जैनब जी, मेरे पति पूर्व विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं। आप बोलिए थोड़ा तेजी जी जी। मैं अपने मायके में थी, वहाँ पे आती है प्रशासन और एसटीएफ वाली टीम, हम लोग को उठा के बहुत टॉर्चर करके ले जाती है, अगर नहीं चलोगी तो गन दिखा के और ये करके बहुत परेशान किया। मेरे चार बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अपने मायके में रहती हूँ, और यही कह रही थी कि अगर नहीं चलोगी तो तुम्हारे उनके हमारे जेठ और हमारे पति को जान का बहुत खतरा है। जी हमें मायके से उठा ले, मैं वहीं पर रह रही थी काफ़ी टाइम से, मायके से उठाया गया और वहाँ मेरे चार छोटे छोटे बच्चे उन वो देख रहे थे, बहुत परेशान किया। उनके सामने वो रंजीत कुमार शर्मा यूपी पुलिस और एसटीएफ अमिताभ यशकर के थे, उन्होंने बहुत जी दोनों टीम थी, बहुत अधिकारियों ने बहुत परेशान किया, वहाँ ले गए तो बहुत टॉर्चर किया कि अगर नहीं बताओगी शाइस्ता जी को तो हम तुम्हारे पति और जेठ को जान से। जी आपसे जानना क्या चाह रहे थे वो लोग, ये बताइए मेन क्या जानना ये चाह रहे थे कि शाइस्ता कहाँ है, उनका बेटा कहाँ है, जब सर हम लोग से कोई कॉन्टेक्ट हो ही नहीं पा रहा, हम लोग क्या बताएं, हम तो अपने मायके में थे, ये लोग भी हमारे साथ ही गए थे, हम तीनों एक साथ ही गए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।